हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अच्छे कर रहे हो। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपनी गाड़ी के लिए एम्बियंस लाइट कैसे लगा सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का एक एलईडी लाइट लगने वाला है। ओके, तो यहाँ पर ये जो एलईडी लाइट है ये ब्लू है। मैंने ऐसे दो लिए थे, व्हाइट दो लिए थे और ब्लू दो लिए थे। तो जो दो ब्लू थे वो मैंने मेरे डैशबोर्ड के नीचे लगाया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे लगाना है। और एक जो एलईडी था वो मैंने रूफ के ऊपर लगाया है। तो फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से लगाया है और आपको किस तरह से लगाना है, क्या क्या चीजें आपको लगने वाली है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ, ये एलईडी मुझे 15 रुपीज पर पीस के हिसाब से मिला है। जो कलर वाले होते हैं वो थोड़े महंगे हो सकते हैं, पर ये जो टोटल कॉस्ट मुझे आया वो अराउंड 40 to 50 रुपीज आया। अब जो वायरिंग इसके लिए मैंने यूज की है वो यूज की है इंटरनेट केबल का जो वायरिंग होता है, उसके अंदर बहुत सारे वायर्स होते हैं, सिंगल कोर वायर्स होते हैं, वो मैंने यहाँ पे यूज किए, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी होता है कलर कोडिंग के लिए। तो वही वायर्स मैंने इसके अंदर यूज किए। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग मेरी गाड़ी की तरफ, और जहां पर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ओके, तो अभी हम लोग आ चुके हैं मेरी गाड़ी की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ अगर मैं आप लोगों को लेके जाऊँ, लेट मी जस्ट स्विच ऑन दी फ्लैश। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा एक एलईडी मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, ओके, और जो दूसरी एलईडी है वो लगाई हुई है यहाँ पर, ऑलराइट। और जो कनेक्शंस मैंने किए हुए हैं वो यहाँ पर किए हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो ये मैंने कनेक्शन किए हुए हैं वो चारों वायर्स को एक साथ मैंने किया हुआ है, दो आगे के और दो पीछे के, ओके। तो जो पीछे के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये जो सेंट्रल कंसोल है इसे मैंने निकाला, यहाँ पर एक स्क्रू है, ऑलराइट, और एक बीच की तरफ है और इसी तरह एक उस साइड भी है, और उससे ये पूरा कंसोल मैंने निकाला और उसके अंडर से मैंने ये दो वायर्स निकालिए जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑलराइट। तो अभी मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ कि इसे मैं किस तरह से लगा देता हूँ। तो उन दोनों को मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, एक ये यहाँ पे है ऑरेंज कलर का जिसे मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ, ओके। तो थोड़ा इसे मैं टाइटली प्रेस करता हूँ ताकि ये निकले ना, ओके। तो ये वायर जो है वो यहाँ से यहाँ पे आई हुई है, ऑलराइट। उसके बाद जो दूसरी है वो है यहाँ पर, तो मैं इसे भी अटैच कर लेता हूँ। एक बात याद रखिएगा, जो डबल टेप है उसे अच्छी तरह से आप लगाइए और अच्छी तरह से माउंट कीजिए ताकि वो वापस से बार बार निकले ना, ओके। तो मैं यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है मैंने, ऑलराइट। तो अभी और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है रूफ लैम्प का। रूफ लैम्प मैंने यहाँ पे एक लगाया हुआ है जो कि है व्हाइट कलर का। यहाँ पे आप गौर से देखोगे तो मैंने इसे स्क्रू से फिक्स किया है, और यहाँ से जो कनेक्शन मैंने लिया हुआ है वो डायरेक्टली आता है इस लैम्प की तरफ। आप चाहो तो इग्निशन पर भी दे सकते हो, पर मैंने इग्निशन पे नहीं दिया हुआ है, मैंने डायरेक्टली इस लैम्प को दिया है ताकि जैसे ही मैं डोर अनलॉक अनलॉक करूँ तो ये सारे लाइट्स जल जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं जैसे ही ऑन करूंगा तो आप देख सकते हो कि किस तरह से लाइट आ रही है। रूफ लैम्प का कनेक्शन आपको पता चल गया होगा। अभी मैं आपको अंडर डैशबोर्ड का कनेक्शन बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो यहाँ का ये जो सन वाइजर है या फिर जो सन रिफ्लेक्टर से हमें बचाना है, वो उसके जो बीड्स है उसे आपको रिमूव करना है, और दो तीन स्क्रूज होते हैं उन्हें आपको रिमूव करना है। यहाँ पे थोड़ी बीड्स निकल के आपको इस रूफ को नीचे लेना है। जैसे आप नीचे लोगे तो आपको यहाँ पर अंडर की तरफ ना स्पेस मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे वायरिंग वहीं से डाली हुई है और वो वायरिंग यहाँ तक आती है, ऑलराइट। और उसी हिसाब से आपको डालनी है, और वो जो कनेक्ट किया है वो कुछ इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, ऑलराइट। मेक श्योर कि ये जो हमारे पैडल्स है या फिर हम लोग कह सकते हैं जो स्टेयरिंग रॉड है उनके बीच में ये वायरिंग्स बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए उस हिसाब से आपको ये सारी प्रॉपर वायरिंग करनी है, थोड़ा पेशेंस से कीजिए और ये हो जाएगा, ओके। तो अभी हम लोग आ चुके हैं रात में, और अभी मैं आपको इस गाड़ी को अनलॉक करके बताता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने गाड़ी को अनलॉक किया तो मेरी जितनी भी लाइट्स है वो प्रॉपरली टर्न ऑन हो चुके हैं, ओके। सेंट्रल लाइट या जितनी भी लाइट्स है मैंने लगाए थे, आपको बताए थे, वो सारे लाइट्स ऑन हो चुके हैं, ओके। तो इस तरह से ये गाड़ी कुछ दिखेगी। तो गाइस, देख लें आपने कितना सिंपल और इजी तरीका है। आपको सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो ये है कि जो ये वायरिंग्स है इनके ऊपर कलर कोडिंग्स है, और यहाँ पर भी कलर कोडिंग, यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ना पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। पर अगर जो आप वायरिंग करते हो उसके अंदर आपको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए ना थोड़ी मार्किंग करके रखिएगा या फिर याद रखिए कलर कोडिंग कौन सी है, कौन सा माइनस में लगा है और कौन सा पॉजिटिव में लगा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। होप इस दिन मैंने वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।